जैसे हर एक मिनट है हमारे लिए कीमती, उसी तरह मैथमेटिक्स के लिए जरूरी है त्रिकोणमिति। यानी कि त्रिकोणमिति का एक एक फॉर्मूला आपके जहन में उतार देंगे। दिमाग में तो सेट करना ही है, दिल में भी सेट करना है, क्योंकि जो यहाँ लगता है ना वो पूरी जिंदगी याद रह जाती है। तो हमें पूरी जिंदगी याद करना है, ऐसे जबरदस्त और शानदार कहानी के जरिए पूरी फीलिंग के साथ यानी मैथमेटिक्स सीखना है हम लोगों को। यानी इसमें फीलिंग भर देना है मैथमेटिक्स में। इतना शानदार तरीके से आपको मैथमेटिक्स का हर एक फॉर्मूला याद होगा, ताकि आप दूसरे को समझाएं तो डायरेक्ट लगे वाओ वर्ड सरप्राइज, कितना शानदार हमको बताया है ये, कितना शानदार ट्रिक है। आपको 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में शानदार नंबर लाना है तो जैसे जैसे कहानी है वैसे डीपली समझते चलिए, पूरा फीलिंग भर देना है मैथमेटिक्स में। बहुत ऐसे फॉर्मूला मिलता है त्रिकोणमिति में, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका बेटा उसका बेटा, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टक इन आवर हेड। ऐसा होता है कि नहीं, दिमाग में बहुत सारे परेशानी घूमती है कि आखिर ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण कैसे याद रखे भाई, एक लाल बटा कक्का है, कभी भूला जाते हैं, कभी पंडित बिरजू महाराज आते रहते हैं। आखिरकार ये तो याद रखना पड़ेगा ना, नाम तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन इस ट्रिक के जरिए सिर्फ एक फीलिंग्स को याद रखना है। वो फीलिंग्स है क्या जो आपके साथ हमेशा हमेशा होता है, वो समझिएगा क्या है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है, ध्यान समझिएगा। त्रिकोणमिति एक प्रेम कहानी, याद रखिएगा ये एक प्रेम कहानी है। कैसे प्रेम कहानी है तो देखिएगा, इसमें 6 पार्ट हैं, साइन कॉस, इसमें 6 नाम आएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। बस आपको ये लाइन से दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, दिमाग में नहीं दिल में उतार लेना है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, याद कैसे रखिएगा, साइन कॉस टेन जब याद हो जाएगा नहीं ये तीनों, तो कॉसेक थीटा, लास्ट में सेक है ना, एक बार यही बोल देना है सेक थीटा, और लास्ट में टी यानी कि कॉट थीटा। ये भी 3 ग्रुप का टी लास्ट में आ रहा है, इसमें भी 3 ग्रुप का लास्ट में टी आ रहा है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, एक बार कमेंट में लिखिएगा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। देखिए मामला शुरू कहाँ से होता है, ये कहानी है कैसी, देखिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, यानी ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, इतना तो आपको याद रहेगा। लंबा आदमी ऐसे सीधा खड़ा रहता है तो एकदम समझिए कि क्या है, लंब है। ये ऐसे वाले को आधार बोलते हैं, और तिरछा जो है ये कर्ण है, ठीक है। आप देखिए ये लंब दिख रहा है लंबा, इससे कर्ण ज्वाइंट है कि नहीं, ये आधार दिख रहा है इससे कर्ण ज्वाइंट है, यानी कि ये लंब है, ये आधार है और ये कण है। समझिएगा ये एक लड़का है, क्या है बाबू, एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, ठीक है, क्योंकि ये लंब और आधार आज जो दोनों के साथ यहाँ मिला हुआ है, देखिएगा ये कण है, ये एक लड़की है, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बार लंब के साथ, ध्यान से समझिए, एक बार लंब के साथ यहाँ कण मिली हुई है, ठीक है, यानी लंब का फेर कण के साथ चल रहा है, ठीक है। ये दोनों दोस्त हैं, याद रखिएगा ये दोनों बेचारे बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन देखिएगा इस साइड कोना पर इसके साथ मिल रही है, इस साइड कोना पर इसके साथ ये मिला हुआ है, ये कण है, यानी कि लंब एक बार कण के साथ मिला हुआ है। और ये दोनों शादी करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं कि तुम हम दोनों एक दूसरे से शादी करने, और रिश्ता तय भी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जब ये रिश्ता तय हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को दोस्त बताए नहीं है कि हमारी शादी, और इस सरप्राइज देने वाले हैं, लेकिन देखिएगा इस सरप्राइज में कितना चोट लगता है लंब का कर्ण के साथ। यहाँ पे देखिए है कि नहीं, एक बार हो जाता है अफेयर और शादी के लिए तैयार होते हैं, लंब एक बार कर्ण से मोहब्बत हो जाता है लंब का, ठीक। एक बार देखिएगा यहाँ पे आधार, आधार दिख रहे ना, आधार और ये कर्ण ये भी है, एक बार मिला हुआ है कि नहीं, यहाँ पे ज्वाइंट है, तो एक बार आधार का भी कर्ण के साथ मोहब्बत हो जाता है, किसके साथ, आधार का भी मोहब्बत कर्ण के साथ होता है। लेकिन मामला तब फंसता है कि लंब तो कर्ण के साथ है, आधार भी कर्ण के साथ है। अब ये दोनों दोस्त काफी एक्साइटेड होके आते हैं कि वाओ मेरी शादी तय हो गई। अब एक्साइटमेंट तो है ही, लेकिन देखो इसके बाद वाले सीन में जब दोनों दोस्त आते हैं, बोलते हैं कि पता है यार सरप्राइज है, वो सरप्राइज है क्या, हम मतलब मेरी शादी तय हो गई है, मेरी नहीं इसकी शादी तय हो गई है, ठीक है, बोला बहुत खुशी की बात है। तो फोटो रखे हो फोन में, तो आजकल सब कोई फोटो रखता है ना जी, तो देखो यहाँ पे फोटो रखे हो, तो दोनों जब फोटो दिखाते हैं तो पता ये चलता है कि दोनों को लड़की बेवकूफ बनाई है, और दोनों का फोटो सेम मिलता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वही मामला वाला आ गया। अब यहाँ देखिए लम को भी बहुत दुख हुआ, आधार को दुख हुआ, लेकिन पता है ये दोनों दोस्त राय की एक काम करते हैं, देखो हम दोनों बहुत पहले से दोस्त हैं, ये बीच में बाद में आके देखो हमको अलग यहाँ मिली है, तुमसे यहाँ अलग मिली है, एक काम करते हैं इसको हटा के हम दोनों फिर से दोस्त एक साथ रहेंगे। तो 10 के कंडीशन में ये दोनों लंब और आधार तीनों साथ में हो जाता है, लंब बट्टा
आधार। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा बराबर तो एक बार लंब कर्ण के साथ, क्लियर, कॉस थीटा बराबर तो आधार भी एक बार कर्ण के साथ, लेकिन तीसरा कंडीशन में जब मामला फंसता है तो इसको हटा दिया जाता है और लंब आधार तीनों दोनों साथ में हो जाता है, यानी कि लंब बटा कर्ण फिर एक बार आधार बटा कर्ण, दोनों में कर्ण है ना, और तीसरे कंडीशन में ये कर्ण को हटा के लंब और आधार दोनों साथ में हो जाता है। अब साइन का उल्टा यानी अपोजिट हो जाता है क्या, कॉस एक, तो लंब बटा कर्ण है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो गया, इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कॉस का उल्टा सेक होता है और टी वाला का उल्टा टी वाला होता है, इसमें भी टी इसमें भी, तो लंब बटा आधार का हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो ये आप समझ रहे होंगे, ये उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत ही शानदार समझ में आई होगी और एक फॉर्मूला आपको रटना नहीं है और 12th क्लास का भी मैथमेटिक्स बहुत शानदार तरीका से स्टार्ट हो गया, 11th और 12th दोनों का अभी बेसिक चल रहा है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, और बेसिक अगर आप समझ गए, बेसिक कॉन्सेप्ट में बड़ी पावर होता है, ठीक है। हम लोग को टेम्पोरली थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा तो हमारा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स ही तुमको बाबू टॉपर बनाएगा, ठीक है। अगर वीडियो बहुत ही शानदार लगा हो तो यार लाइक के बटन को जरूर दबाइएगा और फिर मिलेंगे हम लोग इसके एक और वीडियो में, उसमें क्या करना है पूरा का पूरा फॉर्मूला, वैसे भी एक लगभग 2 घंटा या 2.5 घंटा का वीडियो है जिसमें पूरा मैथमेटिक्स ही कंप्लीट है 1 से लेकर 15 तक, तो वो अभी नहीं, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक के बटन को दबाइएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन के साथ त्रिकोणमिति बहुत ही शानदार तरीका से, जबरदस्त तरीका से शुरू करने वाले, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।